Students, welcome to my YouTube channel Students Week Point. I am just going to explain you about perimeter and area. Basically, students इसी में confused होते हैं, जैसे उनको एक question दिया है और उसमें उनको यही नहीं पता चलता कि हमें perimeter किस में निकालना है और area किस में निकालना है. इसीलिए आज मैं इसी confusion को दूर करने के लिए आपको perimeter और area में difference समझाऊंगी और हम कुछ questions करेंगे जिससे आपको concept और ज़्यादा क्लियर होगा और प्रैक्टिस भी होगी. सो लेट्स स्टार्ट. पेरीमीटर कब निकालते हैं? जब हमें किसी भी चीज़ की बाउंड्री की लेंथ निकालनी होती है तो उसके लिए हम पेरीमीटर निकालते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरा मिरर है और उसको मैंने क्या करना है, मुझे और उसको ब्यूटीफुल दिखाना है. तो ब्यूटीफुल दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, उसके साइडों में, ये वाले साइडों में मैं उसके क्या लगा दूँगी, वुड्स लगाऊँगी. ठीक है, अब मेरे को पूरे मिरर में वुड नहीं लगानी है, मुझे उसकी साइडों में वुड लगानी है और इसके लिए मैं पेरीमीटर निकालूंगी क्योंकि मुझे मिरर की लेंथ चाहिए. ठीक है, अब अगर हम बात करें एरिया की, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक रूम है और उसमें हमें टाइल्स लगानी है. अब टाइल्स को तो हम पूरे रूम में लगाएंगे ना, उसके सरफेस पर लगाएंगे, इसीलिए हम उसका एरिया निकालते हैं. जब हमें पूरे सरफेस को मेज़र करना होता है कोई भी चीज़ के लिए, उसके लिए हम एरिया निकालते हैं. और पेरीमीटर तब निकालते हैं जब हमें पूरी बाउंड्री की लेंथ चाहिए होती है. अब हम सबसे पहले पेरीमीटर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. जो कॉमन शेप्स का जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड. कोई भी शेप है उसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स लगेगा. अब सपोज करो दिस इज़ योर शेप, इसका कोई नेम नहीं है और इसकी सारी साइड्स अलग है, इसलिए हम इसका सम ऑफ ऑल साइड्स लगाएंगे इस शेप का. सो सम ऑफ ऑल साइड्स ये है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. अब हम इसको प्लस करेंगे, 5 + 7 + 2 + 3 + 3 + 4. अब हम इसका सम कर कर देखेंगे. सो इसका सम आ रहा है आपका 24. तो इसके पेरीमीटर, अब हमने इसकी लेंथ निकालनी है तो पेरीमीटर इसका 24 आना है. यूनिट आपको ज़रूर लगानी है क्योंकि पेपर में आपका इसका एक से आधा मार्क्स कटता है, इसलिए यहाँ पर आएगा 24 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप इज़ 24 सेंटीमीटर. अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है. तो अब ये क्या है, ऑक्टागन है. ऑक्टागन की 8 साइड होती है. देखो, साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 साइड. 8 साइड है, सारी साइड्स बराबर है, 2 सेंटीमीटर की है, इसीलिए हम इसका जो पेरीमीटर होगा वो 8 × साइड कर कर निकालेंगे. कोई भी ऑक्टागन है लेकिन उसकी साइड अलग है तो हम उसमें सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे. रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेक्सागन में हम उसकी जितनी साइड होती हैं, मतलब जैसे उसकी 6 साइड्स हैं, हेक्सागन है और उसकी एक साइड की जितनी लेंथ दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. और रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन और रेगुलर ऑक्टागन में ही हम करेंगे, अगर अलग अलग साइड दी हुई है तो सम ऑफ ऑल साइड. ठीक है, अब इसमें आपको सारी साइड्स इक्वल है, 8 × साइड पेरीमीटर लगेगा तो इज इक्वल टू 8 × 2, 8 × 2 = 16. यूनिट इज़ वेरी कंपल्सरी, 16 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन इज 16 सेंटीमीटर. अब बात आती है पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर की. अब ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर की सारी साइड बराबर होती है और इसकी साइड्स टोटल कितनी होती है, 4 साइड होती है. सारी साइड बराबर है, पर्टिकुलर साइड दी हुई है, इसलिए स्क्वेयर का फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, 4 × साइड. अब इसकी जो एक साइड है वो 3 सेंटीमीटर की दी हुई है, सो 4 × 3 = 12. आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर. यूनिट इज़ कंपल्सरी, बार बार बोल रही हूँ. अब बात आती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की. तो रेक्टेंगल में 2 × लेंथ + ब्रेथ, ये तो होती है इसकी लेंथ और ये होती है इसकी ब्रेथ. ये इसको हम पहले प्लस कर लेंगे. अब सिर्फ ये तो है नहीं, अब हमें साथ में इसका भी लगाना है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 × लेंथ इसकी 4 है और ब्रेथ इसकी 2 है, ऐसे. सो 4 + 2
सिक्स, 2 × 6 12 सेंटीमीटर, इसका भी 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर आया। अब बात आती है हमारे एरिया की। तो मैंने एरिया में बताया था कि मोस्ट जब हमें पूरे सरफेस को मेज़र करते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए, तो उसमें हम एरिया निकालते हैं। पहले क्या था, आपको साइड में पेरीमीटर निकालना था। अब आपको क्या करना है, इसने एरिया कितना कवर किया है या इसको हमें सारा देखना है, ये चीज़ ये वाली, तो इसके लिए हम एरिया निकालेंगे। अब रेक्टेंगल का एरिया आपका आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी है 3 सेंटीमीटर, 5 × 3 = 50। अब यहाँ पर मैं सेंटीमीटर लगाऊंगी? नो, जो एरिया होता है वो आपका हमेशा स्क्वेयर यूनिट्स में होता है, तो इसका आंसर आएगा 15 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब बात आती है आपके एरिया ऑफ स्क्वेयर की। स्क्वेयर की सारी साइड्स बराबर होती है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला लगेगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 4 4 × 4 = 16। अब स्क्वेयर यूनिट्स में आपको एरिया होता है, तो स्क्वेयर सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एरिया से रिलेटेड है। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइल्स आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर हैविंग लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 36 सेंटीमीटर। इसमें पूछा है कितनी टाइल्स एक फ्लोर पर लगेगी जिसकी लेंथ है 70 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टाइल इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। अब टाइल की लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो अब इसका है जो लेंथ, टाइल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। देखो ये है हमारी टाइल और ये है फ्लोर, ठीक है। फ्लोर की जो लेंथ है वो है आपकी, टाइल की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, लेकिन फ्लोर की जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर और ब्रेथ 36 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा है कितनी टाइल्स इस फ्लोर में लगेगी जिससे पूरा फ्लोर कवर हो जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टाइल का निकालते हैं, एरिया ऑफ टाइल। अब हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, इट मीन्स ये टाइल जो है वो रेक्टेंगुलर टाइल है, ठीक है। तो हमें रेक्टेंगल, जब हम एरिया रेक्टेंगल का निकालते हैं तो उसमें हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका भी फार्मूला आपका लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका आ गया 60 स्क्वेयर सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ फ्लोर, लिखोगे इसकी भी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इट मींस ये भी आपका रेक्टेंगुलर फ्लोर है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 70 × 36। आंसर इसका आ रहा है 2520 स्क्वेयर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों का एरिया निकल गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मैनी टाइल्स आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर हैविंग लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 36 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें पूछा है कितने टाइल्स इस फ्लोर को कवर करने में लगेंगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। तो फ्लोर का एरिया है आपका 2520 और टाइल का एरिया है आपका 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24 और 6 × 2 = 12। सो द आंसर इज 42 टाइल्स। अब यहाँ पर टाइल्स पूछा था इसलिए हमने टाइल्स लगानी है। पहले दोनों का एरिया निकालना है, उसके बाद एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स से आपकी नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।